अब आप देख लो, आपके सामने है रिव्यू, मैंने कर दिया है। मुझे तो वेस्ट ही लगा अब इतने पैसे, क्या बोलूं मैं। इससे अच्छा है वो हरे पैकेट वाली मेहंदी होती है ना, जो सिंपल सी, वो लेके आया करो और लोहे की कढ़ाई में भिगो के रखो, और अपनी जो अच्छी अच्छी हर्ब्स श्रब्स होती हैं वो अच्छे अच्छे से मिक्स करो उसमें, और घर पे बनाओ, घरेलू नुस्खे लगाया करो, तभी बाल अच्छे होंगे। हेलो जी मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ा बड़ा नमस्कार आपका और बड़ा बड़ा स्वागत है आपका। आज का हम क्या करने वाले हैं, ये मामा अर्थ और एक ये नट हैबिट, ये दो मेहंदी मंगाई है जो प्री सॉफ्ट होती है, और ये मैंने अमेजोन से ली है, और हम देखेंगे आधे आधे बालों में लगा के कि भाई फाइनली इसके क्या रिजल्ट तो मिलते हैं। दोस्तों, तो आज मैंने ये दो मेहंदी मंगवाई है। ये नट हैबिट की है, हीना पेस्ट रेडी टू अप्लाई, और ये मामा अर्थ की है। ठीक है, अच्छा इसके पैकेजिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें जो है ये 100% नेचुरल हीना, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, मेड सेफ है, ऐसा लिखा हुआ है इस पे, और 200 ग्राम है। ठीक है, और ये भी प्री सॉफ्ट ब्लैक टी हर्ब्स के साथ बनाई है, रिच ब्राउन शेड इससे आएगा, और कंडीशनिंग करता है ये बालों के लिए, ठीक है, ग्रो करने में मदद करेगा। और इसमें जो है राजस्थानी हिना है, ये वाली आंवला है, शिकाकाई है, त्रिफला है, और भी बहुत सारी भृंगराज है, रोजमेरी, ब्लैक टी वाटर, अच्छा जी ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे फर्स्ट फ्रेश हेयर केयर, ओके ठीक है। ये 220 ग्राम है, यूज पैक यू शुड लेंथ ऑन हेयर, अच्छा ये पूरा बालों की लंबाई तक लगाना। यार ये मुझे बड़ी लग रही है, ये मुझे छोटी लग रही, पता नहीं इसमें हवा भरी होगी शायद। ये हवा भरने वाला कॉन्सेप्ट भी ना बड़ा सही लगता है मुझे, जैसे कुरकुरे वगैरह का पैकेट होता है ना, मुझे लगता है 10 पीस होते हैं उसमें कुरकुरे या चिप्स के, बाकी सारी हवा ही होती है। अच्छा जी, तो इसका जो वजन है वो है, देखा 200 ग्राम और ये 220 है, लेकिन पैकेट ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है मुझे। और ये 249 की है और ये 231 है, ठीक है। अच्छा ये किचन मेड है, अच्छा इस पे भी वो लिखा हुआ है कि ये भी नेचुरल है, ये हर्ब से बनाई है, केमिकल फ्री है, दोनों ने ऐसा लिखा है कि केमिकल फ्री है। तो आज हम करेंगे एक्सपेरिमेंट बालों पे, मुझे देखना ये है कि भाई क्या क्या असर करेगी मेहंदी बालों में। ठीक है, तो ये है मामा अर्थ की मेहंदी, देखते हैं ये टेक्सचर कैसा है पहले इसका ना, कटोरी में निकालते हैं और हम देखते हैं। और मैंने ना आधे आधे बालों में ट्राई करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ही फायदा और कितना फायदा देती है। अच्छा इसकी ना एक चीज और बता दूं मैं, ओह ये तो बहुत थिक लग रही है यार, पर ये ना दोनों के ही दो पैकेट आते हैं एक बार। हाँ आप एक ऑर्डर करोगे ना तो एक नहीं देंगे, वो मैं बता दूं, मैंने अमेजोन से मंगवाई है दोनों, तो मुझे ये देखो ये एक और ये दो, दो पैकेट इसके आए हैं एक ही उसमें, मतलब प्राइस दोनों का लगाया है उसने और ये आई है, ठीक है। तो ये मैंने दो दो पैकेट मंगवाए हैं। अब मुझे ये देखना है कि यार ये कलर आता भी है इसका, या कहने की बातें हैं कि भाई और रिच नेचुरली कलर्ड हेयर, पता नहीं दही ना, ये डार्क रोस्टेड कॉफी से बना है, अब राम ही जाने। खुशबू तो अच्छी आ रही है वैसे, मानना पड़ेगा इसकी। ओ भाई बहुत हार्ड है लेकिन ये, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा ऐसा, पर मैं नहीं डालूंगी। हाँ मैं आपको ऐसे ही लगा के दिखाऊंगी, और दिखाऊंगी भी कि कितने बालों में ये लगा, एक पैकेट या दोनों डाल लूं, क्या बोलते हो आप बताओ, दोनों पैकेट डालूं कि एक ही डालूं? नहीं एक ही डालते हैं, एक साइड में एक लगाएंगे, दूसरी साइड में दूसरी लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया, इसको कर देते हैं अपन साइड में, और ये रखते हैं दूसरा। चलो जी इसको भी अपन खोलते हैं अब। ये मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हूँ, ये थोड़ा सा, हाँ ये देखो ये थोड़ा स्मूथ है, हाँ ये थोड़ी पतली है, टेक्सचर काफी इसका स्मूथ है, पर देखेंगे कैसा असर होता है बालों में, तो कलर आने पे है, देखना है कि रंग कैसा आता है इसका, पता चले मेरे बालों पे ना अच्छा ड्रामा हो गया है ना। मुझे लग रहा है यार ये ज्यादा पतली लग रही है,
ठीक है। चलो जी, ये है और ये है, ये काफी थिक है और ये वाली पतली पतली है। चलो मैं ना इसको भी पतला नहीं करूंगी, ऐसे ही लगाऊंगी आपके सामने, देखते हैं क्या होता है बालों का। आपने अपने बालों को पहले इस तरह से वो कर लेना है, सीधा कर लो, सुलझा लो। उलझे उलझे बालों में मेहंदी नहीं लगाती है और ना ही इनफेक्ट ऑयल लगाते हैं, ठीक है। तो आपको जेन्युइनली बताऊंगी मैं कि भाई मुझे कैसा लगा, क्या फायदे हुए, किस तरह की खुशबू है या कौन से ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो बेनिफिशियल होते हैं हमारे बालों के लिए, मुझे पर्सनली क्या लगा। हाँ, तो इस वीडियो को प्लीज पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। अपनी कोई भी व्यक्तिगत राय देखने से पहले आप ये देखिए कि भाई हम जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, बहुत सारा रिस्क लेते हैं अपनी त्वचा के लिए, अपने बालों के लिए, ताकि हम पहले श्योर हो जाएं कि हम जो मतलब इन्फॉर्मेशन पास करने वाले हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं अपने बाल और हम ट्राई करेंगे ये दोनों ही मेहंदियां। आपके लिए एक जेन्युइनली सलाह देती हूं कि ये वाले जो ग्लव्स है ना, ये कभी मत मंगवाओ, ये सीरियसली बहुत ही पथेटिक, घटिया और बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये है मामा अर्थ और ये है नट हैबिट। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ये बहुत थिक है और ये पतली है, लेकिन मैं इसमें पानी नहीं मिक्स करूंगी, जैसी है वो वैसी ही रहे। तो चलिए लगाना शुरू करेंगे। लगाने का लिए हमको क्या करना है, मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जूड़ा बना के तो नहीं लगा सकते, आधे आधे बालों में लगाना है तो ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम शुरू करते हैं एंड आई होप कि मैं कपड़े खराब नहीं करूंगी इस बार, ऐसी मेरी पूरी इच्छा है। और मैं ये भी बताऊंगी कि कितने बालों में मतलब अच्छे से ये लगती है। तो ये मामा अर्थ की मेहंदी यहां लग गई है थोड़ी सी, मुझे लग रहा है शायद कलर आ जाएगा। अब हम लगाना शुरू करते हैं नट हैबिट। थोड़ा सा पतला है ये और मुझे ऐसे लग रहा है शायद अच्छे से बालों में लग जाएगा। लो जी, आज मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, दो मेहंदियां एक ही बार, आधी इधर, आधे बालों में एक, आधे बालों में दूसरी, ठीक है। अब देखना ये है कि मेरे बालों पे क्या होता है, मेरा चश्मा भी खराब, मेरे हाथ भी खराब। ये देखो, यहां लग गई है मामा अर्थ वाली, यहां नट हैबिट। अब देखना ये है कि भाई रंग आता भी है कि एकदम से ऐसे ही मतलब कहने को ही है। चलो वीडियो पूरा और ध्यान से देख लेना, बालों पे मैंने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया है, अब पता चले आपके चक्कर में ना कुछ काले पीले हो गए मेरे बाल, पूरा वीडियो देखना ध्यान से। तो जी ठीक है, ये देखो ये दोनों मेहंदी मैंने लगा ली है। इस मेहंदी का आप देखेंगे तो थोड़ा सा पतला है, मतलब काफी पतली है ये, और ये वाली बहुत गाढ़ी है। लगा के मुझे एक सा ही फील आया, देखो इसका भी इतना ही कलर आया है और इस मेहंदी का भी उतना ही है, बट इनफेक्ट ये मुझे थोड़ा सा पतली है तो शायद कलर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अच्छा कलर आएगा। ये अभी तक की ऑब्जर्वेशन है मेरी, आगे मुझे नहीं पता है दो घंटे बाद क्या होने वाला है, ठीक है। खुशबू की अगर बात करें कि स्मेल कैसी है, तो इक्वल सी है। अभी तक को सबसे बड़ा डिफरेंस जो दिखा, ये थिक होती है, ये थोड़ी सी पतली है। अभी हम सिर्फ दो घंटे वेट करेंगे, उसके बाद लगाएंगे। थाली के एक ही के थक चट्टे वट्टे लग रहे हैं मुझे दोनों, कुछ मेजर डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट लेट्स सी, दो घंटे बाद वॉश करेंगे तो देखते हैं फिर। पर हाँ, इस पे लिखा हुआ है एक दो घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। यार इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ 2-3 आवर्स के लिए, तो 2 आवर्स, उसमें 1-2 लिखा हुआ है, इसमें 2-3 लिखा हुआ, ठीक 2 घंटे बाद हम इसको वॉश करेंगे। टाइम क्या हुआ है, 3 बजने वाले हैं, देखो दिख रहे हैं, वही दिख गया, 2:59 है ना, 3 बजे हैं, 5 बजे हम हेयर वॉश करेंगे, फिर आपको देखिए ये काफी हद तक ड्राई हो गया है। और टाइम मैं आपको दिखाती हूँ, 5:46 दिख रहा है, 5:46 हो गए हैं, मतलब 5 बजे धोना था तो 45 मिनट ऊपर हो गए, क्योंकि मैं काम में बिजी हो गई। ये वाला बहुत थिक था तो जल्दी ड्राई हो गया, ये वाला अभी भी गीला है, मैंने ढका नहीं था, कोई मैंने मास्क वास्क वो क्या बोलते हैं हेयर कैप नहीं पहना था, ठीक है, और इसको बांधा नहीं था, ऐसे ही था। तो मैं एडिटिंग वगैरह कर रही थी, अब मैं वॉश करके आती हूँ और आपको आपके लिए फर्स्ट हैंड रिव्यू दोनों के बारे में बता रही थी मैं। इधर ये वाली मेहंदी लगाई थी, इधर ये वाली मेहंदी लगाई थी, दोनों ने कुछ खास करामात तुर्की नहीं है मेरे बालों पे।
मतलब आपको बालों को देख के समझ में आ जाता है, जब मैं कत्था पाउडर, कॉफी और हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर मिक्स करती हूँ तो मुझे डिफरेंट दिखते हैं मेरे बाल। बट यहाँ मुझे ऐसा कोई ऐसा सुपर मैजिक और चमत्कार नहीं दिखा है। बट हाँ, ये मेहंदी थोड़ी पतली थी तो यहाँ लग गई है थोड़ा फोरहेड पे, ये हाथ पे यहाँ कलर है, ये थिक थी तो इसने शायद यहाँ मेरे बाल थे सफेद उसको ही लाल किया है। ये यहाँ है शायद, कहाँ है मुझे नहीं आ रही। बट ठीक है, दोनों एक ही जैसी थी, वो कोई भी डिफरेंट नहीं था दोनों में, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है मेजर कि मैं आपको वो नहीं, इसमें इतना पॉइंट ये था, इतना पॉइंट ये था। खुशबू भी एक जैसी आ रही थी दोनों में से, मुझे ऐसे लग रहा है कि एक ही मेथड से बनाई गई हैं दोनों। बाकी उनको ज्यादा पता होगा, वो शायद आ जाएंगे बताने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो भाई ये फर्स्ट हैंड रिव्यू था आपके लिए, मैंने आपको सही से बता दिया कि भाई क्या है असली सच। मेरे हिसाब से हरे पैकेट वाली मेहंदी लो, मोनिका के पिटारे से जो होम रेमेडीज आती हैं उस तरीके से घोलो। बट मैं ट्राई करती रहूंगी, ये आपकी डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया, इतना बड़ा रिस्क लिया, जबकि आपको पता है मैं अपने बालों के साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं करती हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। ऐसे और भी मजे मजे की वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी, आप अपना प्यार मुझ पे ऐसे लुटाते रहिए। हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो, नई होम रेमेडी, नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी के साथ। लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको और किस प्रोडक्ट के बारे में जानना है। ज्यादा से ज्यादा लोग जिस प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे मैं वही ट्राई करूंगी। मेहंदी बहुत ही ट्रेंड में चल रही थी तो मुझे बनाना ही था वीडियो, क्योंकि मैं वीडियो आपके लिए बनाती हूँ। तो चलिए, ध्यान रखिए बहुत सारा अपना, बाय बाय।